Hey guys, welcome back to my channel, and today I'm going to do hair spa at home with the Sesa Mud Hair Spa Kit. ये मुझे जुलाई 2018 की ग्लैमिक वो बॉक्स में मिली थी और मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी कि इसकी एक डेमो वीडियो किया जाए, रिव्यू वीडियो किया जाए. तो चलिए शुरू करते हैं. ये जो हेयर स्पा किट है ये मानसून के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मानसून में हमें काफ़ी हेयर फॉल होती है हमारी, चाहे बॉयज़ हो या फिर गर्ल हो, सभी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है. तो ये आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी और ये दावा करती है कि ये आपकी हेयर की जो ग्रीजीनेस है उसे दूर करेगी और आपकी हेयर को सिल्की, शाइनी एंड हेल्दी बनाएगी. एंड इट्स आइडियल फॉर यूनिसेक्स यूज़, मतलब इसे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हेयर स्पा. सबसे पहले इसकी प्राइस बताते हैं. इसकी प्राइस है 99 रुपीज़ ओनली, मतलब 99 रुपीज़ में आपको एक कंप्लीट हेयर स्पा किट मिल रही है. तो काफ़ी अफोर्डेबल है. एंड अभी बॉक्स को ओपन करते हैं. इसमें टोटल 3 स्टेप्स है. फर्स्ट जो स्टेप है शैम्पिंग योर हेयर, देन शैम्पू करने के बाद आपके हेयर पर एक मास्क अप्लाई करना पड़ेगा. एंड थर्ड जो स्टेप है मास्क को धोने के बाद एक सीरम अप्लाई करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं शैम्पू करने जा रही हूँ हेयर को, देन आपको मास्क अप्लाई करके दिखाऊंगी. सो गाइस, आई हैव शैम्पूड माय हेयर विद दिस शेषा मड शैम्पू. इसकी क्वांटिटी जो थी काफ़ी कम थी, 10 ml, और 10 ml से मेरी उतनी अच्छी तरह से शैम्पू नहीं होती है मेरी हेयर पर, बट इट्स ओके. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस मड मास्क. मेरी हेयर जो है टॉवल ड्राई हो गई है, अभी मैं ये जो है मास्क अप्लाई करूँगी. तो इसे मैं पहले एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ. ये एक डीप नरिशिंग मड मास्क है और ये 15 ग्राम करके है ईच पैक. तो यहाँ पर 2 पैक्स है और 30 ग्राम की है टोटल, और इतना सा जो मास्क है इतना सा है. अभी मैं इसे अप्लाई करूँगी. हाँ, ये जो मड मास्क है ये इसे अप्लाई जब आप करेंगे तो आपकी स्कैल्प को छोड़ के इसे अप्लाई करना होगा, मतलब इसे स्कैल्प पर अप्लाई नहीं करना है. आप चाहे तो आपकी हेयर को सेक्शंस बनाकर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं. फ्रेंड्स, मैंने इसे मेरी पूरी हेयर पर अप्लाई कर लिया है स्कैल्प को छोड़कर, और इसे अभी थोड़ी देर तक मसाज करना है, 2 से 3 मिनट. और इस मास्क को आपको टोटल 3 से 5 मिनट्स तक रखना है आपकी हेयर पर, उससे ज़्यादा नहीं. इस मास्क को हेयर पर 5 मिनट्स रखने के बाद आपकी हेयर को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है. तो फ्रेंड्स, मैंने मास्क को वॉश कर लिया एंड मैं रेडी भी हो गई, क्योंकि मुझे निकलना है. अब मैं सीरम अप्लाई करूँगी जो है लास्ट स्टेप. इसकी क्वान्टिटी है 3 ml. 3 ml सीरम से मेरी हो जाएगी. तो इसे टॉवल ड्राई हेयर पर अप्लाई करना है, पूरी हेयर पर जस्ट ऐसे पॉम पर इसे फैला लेना है, देन हेयर पर ऐसे अप्लाई करना है इसे. आप इसे चाहे तो आपके ड्राई हेयर पर भी यूज कर सकते हैं फॉर इंटेंस शाइन. तो इसकी रिजल्ट अभी आपको पता नहीं चलेगी, जब हेयर सूख जाएगी पूरी ड्राई हो जाएगी तभी मैं इसके आपको रिजल्ट दिखाऊंगी. तभी मैं जस्ट सीरम को अप्लाई कर रही हूँ और अभी मुझे निकलना है. तो सीरम को पूरी हेयर पर अप्लाई करने के बाद आपको जेंटली आपके हेयर को कॉम करना है. बी जेंटल बिकॉज आपकी हेयर अभी भी वेट है, फुली ड्राइड नहीं है. तो मैं जेंटली इसे कॉम कर रही हूँ. सो फ्रेंड्स, हेयर को कॉम करने के बाद मेरी हेयर स्पा ट्रीटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गई. अभी जो रिजल्ट्स है मैं आपको हेयर को ड्राई होने के बाद दिखाऊंगी. एंड दिस इज माय हेयर आफ्टर फुली ड्राई. कुछ इस तरह इसकी रिजल्ट्स आई है इस बकेट की. तो ओवरऑल मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरी हेयर जो है उतनी ज़्यादा सिल्की स्मूथ, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुझे कुछ नहीं लगा. क्योंकि मैं जब नॉर्मली शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करती हूँ तो मेरी इफ़ेक्ट्स जो आती है ऐसा ही कुछ आती है. तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुझे कुछ नहीं लगा. बट हाँ, जो मुझे लगी है वो ये है कि मेरी जो हेयर फॉल हो रही थी वो इसे यूज़ करने के बाद आज मेरी हेयर फॉल काफ़ी कम हुई है, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन मानसून, क्योंकि मानसून में हमारी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है. तो अगर उसे ये कंट्रोल करता है देन इट्स ओके. बट एक्सेप्ट दैट, मुझे इस किट की इतना अच्छी कुछ बात नहीं लगी है. हाँ, मेरी हेयर पर उतनी अच्छी रिजल्ट नहीं आई है,
हो सकता है किसी और के हेयर पर अच्छी रिजल्ट्स आएगी। और एक बात जो है, अगर आपके हेयर लॉन्ग है लाइक मेरी तरह या फिर मुझसे भी लॉन्ग हेयर है तो ये किट आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसकी जो शैम्पू की क्वांटिटी है वो आपके हेयर पर अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। और जो मड मास्क है वो मेरी हेयर पर तो होगी, बट अगर मेरी मुझसे भी ज़्यादा लॉन्ग हेयर किसी की है तो उसके हेयर पर ये मास्क पूरी तरह नहीं हो पाएगी। एक्सेप्ट दैट इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट ये काफ़ी अफोर्डेबल है, क्योंकि अभी स्पा अगर आप पार्लर में जाएंगे तो स्पा करने में आपको मिनिमम 1000 rupees पड़ेंगे। तो अगर आप पार्लर जैसी इफेक्ट चाहते हैं और कम अफोर्डेबल में कोई पैकेट चाहते हैं तो इसे परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस ओनली 99 rupees है, तो आप उस तरह से अगर देखेंगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आगे से और वैसे वीडियोस के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।